आईपीएल 2023 अब समाप्त हो चुका है और टूर्नामेंट के चैंपियन एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। माही ने अपनी कप्तानी में सीएसके को पांचवीं बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया है। 29 मई को शुरू हुए फाइनल में चेन्नई ने गत विजेता गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। सुपर किंग्स के आईपीएल जीतने के बाद अंदर से हर एक भारतीय फैन खुश था, क्योंकि यह धोनी का अंतिम आईपीएल मैच भी साबित हो सकता है। वहीं जब फाइनल जीतने के बाद चमचमाती ट्रॉफी कलेक्ट करने की बारी आई तो कप्तान धोनी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। शायद ही उनसे सेल्फलेस कप्तान कोई होगा। फाइनल जीतने के बाद जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया तो धोनी ने वहां अपना आखिरी आईपीएल मैच खेल रहे अंबाती रायुडू और मैच जिताने वाले रविंद्र जडेजा को भी बुलाया। ऐसे में ट्रॉफी धोनी ने रायुडू और जडेजा से कलेक्ट करवाई और वह खुद बराबर में खड़े रहे। धोनी की यह अदा फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। माही हमेशा की तरह इस बार भी ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान सबसे कोने में सपोर्ट स्टाफ के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को जीत का जश्न मनाने दिया। आईपीएल ने खुद ट्विटर पर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है जिसमें चेन्नई के सेलिब्रेशन के दौरान धोनी कोने में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। धोनी ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों के प्यार को देखते हुए उन्हें तोहफा देने के लिए वे अगले सीजन में फिर खेलेंगे। इस सीजन की शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह धोनी का आखिरी सत्र होगा। उन्होंने कहा, अगर परिस्थितियों को देखें तो मेरे लिए संन्यास लेने का यह सही समय है। मेरे लिए यह कहना बहुत आसान है कि अब मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन अगले 9 महीने तक कड़ी मेहनत करके लौटना और एक सत्र और खेलना कठिन है। उन्होंने कहा, शरीर को साथ देना होगा। चेन्नई के प्रशंसकों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया, यह उनके लिए मेरा तोहफा होगा कि मैं एक सत्र और खेलूं। उन्होंने जो प्यार और जज्बात दिखाए हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए।